नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जेनोसिया असोका के बारे में। जेनोसिया असोका दोस्तों, जिसे हम लोग साराका इंडिका भी कहते हैं, यह अशोक वृक्ष है दोस्तों, जिसे आप जानते हैं। अशोक वृक्ष जो 7 से 10 मीटर लंबा होता है, और दोस्तों अशोक वृक्ष से बनता है होम्योपैथी में असोका मदर टिंचर। दोस्तों अशोक वृक्ष के छाल से बनता है जेनोसिया असोका मदर टिंचर, जो कि महिलाओं के लिए एक खास दवा है, महिलाओं के लिए एक महाऔषधि है। दोस्तों महिलाओं में होने वाले जो यूट्राइन डिसऑर्डर्स हैं, गर्भाशय की जो गड़बड़ियां हैं, उसे ये ठीक करता है। यह दोस्तों मेनोरहेगिया की एक महाऔषधि है, जहाँ पर अत्यधिक मासिक स्राव होता है, कई दिनों तक मासिक स्राव होता है। दोस्तों आइए जानते हैं जेनोसिया असोका को थोड़ा सा विस्तार से। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं जेनोसिया असोका का माइंड सिम्टम्स। जो महिलाएं होती हैं दोस्तों, वो गुड नेचर की होती हैं, स्वभाव की बहुत अच्छी होती हैं, और दोस्तों थोड़ा सा वो खोया खोया रहती हैं, अन्य मनस्क रहती हैं, एब्सेंट माइंडेड होती हैं और अनिद्रा से ग्रसित रहती हैं। दोस्तों ऐसे रोगी को थोड़ा सा ही कुछ प्राप्त हो गया तो उसी से संतुष्ट हो जाती हैं। इनके स्वप्न में सफ़र का स्वप्न आता है, और दोस्तों ऐसे महिलाएं हमेशा खोई खोई रहती हैं, उनको चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों उनका जो मानसिक गड़बड़ी रहता है, उसके कारण इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों इसके हेड सिम्टम्स को जानते हैं। हेड सिम्टम्स में आपको कंजेस्टिव हेडेक देखने को मिलेगा। दोस्तों कभी कभी आपको यूनिलेटरल हेडेक भी देखने को मिलेगा, जो एक साइड सिर्फ, हो सकता है दाहिना साइड ही सर दर्द हो या बाएं साइड ही सर दर्द हो। और ऐसा सर दर्द जब मासिक स्राव सही से हो जाएगा तो सर दर्द भी ठीक हो जाता है। दोस्तों इसका अगला लक्षण फेस पर, फेस असोका जेनोसिया असोका का फेस सिम्टम्स बहुत ही लाभकारी है दोस्तों, क्योंकि फेस से ही आप रोगिनी को पहचान सकते हैं। चेहरा जो होगा पेल फेस होगा, चेहरे पर एक पीलापन होता है, उदासी होती है, और दोस्तों उनके चेहरे पर कभी लालिमा देखने को मिलेगा और कभी वह चेहरा गर्म हो जाता है। ये मासिक की अनियमितता के कारण जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, कई बार दोस्तों थायराइड के डाइसफंक्शनिंग के कारण भी ऐसा होता है, कई बार यूट्रस में जो फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं उसके कारण भी चेहरे पर इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमारा चेहरा हमारे शरीर का आईना होता है, और आपके अंदरूनी तकलीफ़ को आपका चेहरा बयां कर देता है। दोस्तों आप देखेंगे कि ऐसी महिलाओं के चेहरे पर दाग धब्बे, पिंपल्स, कील मुहासे अत्यधिक देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था इसका फेस सिम्टम्स। अब आइए इसका जो सबसे प्रमुख है वह है महिलाओं पर जो इसका लक्षण है। दोस्तों महिलाओं पर जो इसका लक्षण है वो है मेनोरहेगिया का। जब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको मासिक स्राव में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण कमजोरी देखने को मिलता है। दोस्तों एनेमिक हो जाती हैं ऐसे रोगी। यह जो मदर टिंचर है जेनोसिया असोका का, यह डिलेड एंड इरेगुलर मेंस में, जहां पर अनियमित मासिक स्राव हो, रुक रुक कर मासिक स्राव होता हो, एक महीना हुआ एक महीना नहीं हुआ, इस तरह का जो डिलेड मेंस है उसमें भी ये दवा कारगर है। दोस्तों यह मेंस्ट्रुअल कोलिक के लिए, डिसमेनोरिया विद कॉन्स्टिपेशन, ऐसी महिलाओं में आप देखेंगे कि मासिक आने से पूर्व उनको तीव्र दर्द होता है, ये जो यूट्रस में संकुचन होता है उसके कारण बहुत तीव्र दर्द होता है। दोस्तों यहाँ पर महिलाओं में कब्ज देखने को मिलेगा, इसके लिए भी जेनोसिया असोका बहुत ही कारगर दवा है। दोस्तों ओवरीज में पेन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको इरिटेबल ब्लैडर, जो मूत्राशय है उसमें भी दर्द कभी कभी चला जाता है, इस तरह का दर्द आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यह जो
दवा है इसका मुख्य है कि इसका यूट्रस के इंडोमेट्रियम में, और दोस्तों इसका जो है ओवेरियन टिश्यू पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और दोस्तों आइए जानते हैं कि रिसर्च इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों रिसर्च में केटोस्टेरोल होता है, जेनेसिया अशोका में जो पाया जाता है केटोस्टेरोल एक ग्लाइकोसाइड्स है जो कि मुख्य रूप से जेनेसिया अशोका के पूरे पार्ट्स में पाया जाता है। और दोस्तों इसमें सेपोनिन होता है, इसमें ऑर्गेनिक कैल्शियम होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो केटोस्टेरोल है, जो ग्लाइकोसाइड्स है और जो ऑर्गेनिक कैल्शियम है दोस्तों, ये मेनोरेगिया के ट्रीटमेंट में बहुत ही सहायक होता है। और इसीलिए जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसे जेनेसिया अशोका रोक देता है। दोस्तों इसमें पाए जाने वाला और तरह के जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो यूट्राइन में, यूट्रस में जो स्पाज्म होता है उसे कंट्रोल करता है। और इस तरह से ओवरऑल ये दवा महिलाओं के गर्भाशय के लिए एक महा औषधि है। दोस्तों यह दवा लिकोरिया की भी एक बहुत अच्छी दवा है, जहां पर कई बार आप देखेंगे कि जो डिलेड मेंस में महिलाओं के फ्लो के साथ लिकोरिया का भी फ्लो होता है। महिलाओं में आप देखेंगे कि मासिक स्राव के साथ लिकोरिया का भी स्राव होता है, ऐसे लक्षण के लिए ये दवा बहुत ही कारगर है। यह इन्फेंटाइल लिकोरिया की भी बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों जो छोटी बच्चियां होती हैं उनमें भी लिकोरिया देखने को मिलता है। आप उन्हें अच्छा भोजन दे रहे हैं फिर भी उनका शरीर नहीं लग रहा है, इसका एक कारण लिकोरिया भी होता है। अगर इस तरह के लक्षण हो तो ऐसे लक्षण कैल्केरिया फॉस में भी है दोस्तों, लेकिन अगर वो बराबर कमजोरी बनी रहती है, उनको आप देखेंगे कि लिकोरिया का स्राव हो रहा है, तो आप उन्हें जेनेसिया अशोका देंगे तो उनका इन्फेंटाइल लिकोरिया ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह दवा जो हेडेक होता है महिलाओं में, जो मासिक गड़बड़ी के कारण हेडेक होता है, अगर उनका मासिक फ्लो ठीक हो जाए जो ये दवा करता है, ये दवा महिलाओं के मासिक स्राव को नियमित करता है, तो इस तरह से यह दवा बहुत ही लाभकारी है महिलाओं के लिए। आइए दोस्तों जानते हैं इसके डोज को। इसका जो डोज होगा वो दोस्तों 20-20 बूंद तीन बार 4 चम्मच ठंडा पानी में मिलाकर आप इसे लेंगे, तो 2 से 3 माह आप इसे लें तो आपको लाभ दिख जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।